बलिहारी देवी की प्रतिमा को आज शुभ मुहूर्त में एक मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। प्रतिमाओं की स्थापना के लिए मंदिर को भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया है। चारों धामों की रक्षक मां धारी देवी की प्रतिमा की स्थापना के लिए सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर में मंगलवार से पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। पहले दिन मंदिर में सतचंडी यज्ञ करते हुए मां धारी देवी की मूर्ति सहित अन्य देवी देवताओं के नए मंडप की पूजा अर्चना की गई। उत्तराखंड के लिए यह दिन काफी महत्वपूर्ण और खुशी भरा साबित होगा, क्योंकि 9 वर्षों के बाद मां धारी देवी अपने मूल स्थान से ठीक ऊपर बने मंदिर में विराजमान होंगी। इस आनंददायक अवसर के लिए मंदिर के पुजारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, विधायक मनोज कंडारी समेत जिले के डीएम समेत सभी को न्योता भेजा है। धारी देवी मंदिर अलकनंदा के एक छोर में बसे धारी गांव के ठीक सामने स्थित है, इसीलिए इसे धारी देवी नाम दिया गया है। मंदिर की ऐतिहासिकता को लेकर स्थानीय लोगों में बहुत सी किंवदंतियां प्रचलित है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर में स्थापित मूर्ति काली मठ से अलकनंदा नदी में बहती हुई आई थी, जिसे लोगों ने धारी गांव के सामने अलकनंदा नदी के तट पर एक मंदिर बनाकर स्थापित कर दिया। मां धारी देवी के नए मंदिर का निर्माण जीवीके कंपनी द्वारा अलकनंदा नदी पर बनाया गया है। यह सिद्धपीठ मां धारी देवी के पुराने मंदिर के ठीक ऊपर बनाया गया है। पुराना मंदिर जलमग्न होने के बाद प्रतिमाओं को अपलिफ्ट अस्थायी रूप से कर दिया गया था, जिसके बाद कंपनी ने भव्य मंदिर का निर्माण किया, लेकिन बीते सालों से मंदिर न्यास के हैंडओवर नहीं हो पाया था। अब जब मंदिर न्यास ने प्रतिमाओं की शिफ्टिंग और स्थापना का मुहूर्त निकाला तो जीवीके कंपनी द्वारा मंदिर को मंदिर न्यास के हैंडओवर किया गया, जिसके बाद मंगलवार से नए मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। धारी देवी मंदिर में मां की प्रतिमा के साथ ही भगवान शिव, गणेश, भैरवनाथ, क्षेत्रपाल, नंदी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएंगी। साथ ही पहली बार भगवान शिव की मूर्ति के साथ मां पार्वती की प्रतिमा को भी स्थापित किया जाएगा।